नमस्कार दोस्तों, सर में हो रहा है बहुत दर्द, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मैं तो पूरे दिन परेशान रहती हूँ, ऑफिस में नहीं लगता है मन, सर फटासा जा रहा है। अक्सर आपने ये फीमेल को कहते हुए सुना होगा और मेल को भी कहते हुए सुना होगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है सर दर्द, हेडेक, इंग्लिश में नाम है ना इसका। हिंदी मातृभाषा है और हिंदी से अच्छी कोई भाषा नहीं है। तो आज सर दर्द पे बात करेंगे और सर का दर्द करेंगे चुमंदर। देखो, एक घर है, घर किसको बोला जाता है, जहाँ लोगों का समूह होता है और जहाँ चार लोग एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं। हम लोगों की इच्छाएं होती है बड़ा पाने की और बड़ा घर नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे लोगों के कमरे बढ़ जाते हैं। तो जिनके पास छोटा घर है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक दूसरे की कनेक्टिविटी में तो हो। सिरदर्द का मूल कारण आपको बताऊं, अपनों से दूर रहना है। दूसरा कारण बताऊं, अपनी केयर ना करना है। तीसरा कारण बताऊं, अपने को हल्के में लेना है। चौथा कारण बताऊं, नेचुरल कॉल्स को रोकना। आप नेचुरल कॉल्स क्या होती है, आप यूरिन टाइम पे नहीं जाते, मतलब पेशाब को टाइम पे नहीं करते, आप खाना टाइम पे नहीं खाते, आप लघु शंका पॉटी मल त्याग टाइम पे नहीं करते, आप सोते टाइम पे नहीं है। तो भाई होगा क्या? सर दर्द तो होगा, माइग्रेन अटैक ही होगा, कंधों में दर्द होगा, यही तो होगा। तो दोस्तों, सर दर्द के लिए सबसे अच्छा आपको क्या करना है, जब भी कभी आपको ज़्यादा सर दर्द रहता है, कभी भी गोलियां मत खाओ यार, वो पेन किलर आती है ना, क्रोसिन खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, देखो दवाइयों के नाम याद नहीं है ज़्यादा। तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर कर सकते हो तो रात को सोने के टाइम पे नाक में एक एक ड्रॉप बादाम रोगम डाल के सोया करो। इससे तो दो बेनिफिट होंगे, मेरी माँ ने तो मुझे बताया था, मैंने गलतियां करी तभी बाल सफ़ेद हो गए मेरे। आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे अगर आप अपने बचपन से ही अपने बच्चे को दे रहे हो, एक तो बच्चा बिल्कुल तरोताज़ा होगा, बहुत ताकतवर बनेगा। ये बेनिफिट है नाक में बादाम रोगम डालने का, उसको साइनस के डिसऑर्डर नहीं होंगे, अस्थमा नहीं होगा। तो आपको पहला क्या काम करना है, रात को सोने के टाइम अपनी नाक में एक एक ड्रॉप बादाम रोगम डालो। रोज नहीं डाल सकते भाई साहब, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्ताह में दो दिन डाल लो, इतना तो कर सकते हो। 110 रुपए की बोतल 6 महीने चल जाएगी, छोटे वाली लिया ना, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, आप लोग अपने पैरों को जमीन से जरूर लगाया करें दिन में एक बार, हर टाइम चप्पल पहन के काम नहीं चलता। तीसरा, गैस जिसको बोलते हैं आप पाद, टाइम पे नहीं करते हो, शर्मा जाते हो, और बनता क्यों है, क्योंकि आपका खाना गलत तरीके से खाया जाता है, तो वो गैस। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या, क्या आपको चाहिए समाधान, तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, धन्यवाद। घूमती फिरती पाइप की तरह अंदर 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 आ जाती है, सर पे, गर्दन में, सर के आधे सर के हिस्से में, कंधों में और लोअर बैक में, कहाँ कहाँ जमा हो जाती है, वो भी सर दर्द क्रिएट करती है, जो कि गलत है। और कभी कभी तो दिल के पास तक पहुँच जाती है ये गैस, और फिर दिल में होता है बहुत तेज से दर्द और हम डर जाते हैं, हाय कहीं हेड अटैक ना हो जाए। डॉक्टर कहता है नया बकरा आ गया, वो देखता है हाँ जी दिल की प्रॉब्लम है, और बड़े घर वाले तो फौरन पैसे दे आते हैं और दिल की दवाइयाँ हो जाती है चालू। मैं नहीं चाहता कुछ भी हो भाई साहब, आधे डॉक्टरों ने तो कमाई बना रखी है आप लोगों को। समझ जाओ, आपकी कहते ना अनैतिकता के कारण, मतलब आपकी नॉलेज कम होने के कारण वो उसका उपयोग करते हैं, बस ये समझ लीजिए। डॉक्टर कुछ नहीं करता, वो आपके गोली लिख के दे देता है, आप उस पर बिलीव करके बैठ जाते हो, अब खुद पे बिलीव आपको है नहीं, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो ये काम हो गया, और क्या करना चाहिए, अब घरेलू नुस्खे पे भी आता हूँ। और एक हमारे योग में षटकर्म होता है, आप लोग वीक में 3 बार गरम गरम पानी पीते हैं ना, पूरा का पूरा, तीन तो 2 बार गरम पानी पूरा पिए और जीभ ऐसे निकालो लंबी सी बार, गर्दन ऐसी टेढ़ी करके मुंह से सारा पानी निकालो, तो कुंजल हो जाएगा आपका। कुंजल होने से आपका पेट, गैस, पत्त, वात सब क्लीन, वात पित्त कफ तीनों क्लीन हो जाएंगे। चलो ये हो गया। दूसरा क्या काम करना है, बड़ा सिंपल काम करना है, योगासन। योगासन में
जो भी आसन आते हैं, जैसे कि आप ताड़ासन कर लो, ट्रायंगुलर पोज बोलते हैं जिसको त्रिकोणासन करते हैं वो कर लो, भुजंगासन कर लो। क्योंकि मैं अभी एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ कि सारे आसन की एक एक वीडियो बनाऊंगा, 3-3 मिनट की, जितने भी आसन मुझे आते हैं और उनके बेनिफिट भी बताऊंगा। तो आप लोग तैयार रहना, करना लेकिन आपको है। मैं तो करूंगा, ये अपना फायदा मेरा हो रहा है, लेकिन आपका फायदा मैं चाहता हूँ। करो प्लीज, करोगे तो निरोग। और जो कमाने वाले लोग हैं, कहते ना टाइम नहीं है, अरे मूर्ख हो तुम लोग, जो लोग अपने शरीर को टाइम नहीं दे सकते वो कहीं नहीं दे सकते। तो हेडेक की ये बात हो गई। तीसरा, ज़्यादा तला हुआ खाना अवॉइड करना। जब आपको हेडेक ज़्यादा बना हुआ हो, गैस से रिलेटेड खाना जो होता है ना, गैस से रिलेटेड वाले प्रोडक्ट, जैसे कि गोभी, जैसे कि राजमा, छोले, रात को तो बिल्कुल ही मत खाओ, उस दिन तो बल्कि हल्का खाओ, सरदर्द की जिनको ज़्यादा आमतौर पर रहती है प्रॉब्लम। भूखा ज़्यादा मत रहो, दिन में 3 बार तो ज़रूर खाओ आप लोग, फ्रूट सब्जी कुछ भी, मौसमी फल जरूर खाओ। ये हो गया एक आसन। एक और बताने वाला था, जब भी गैस बने तो आपको सांस बाहर छोड़ दो, मुंह बंद कर लो, होल्ड रखो, यानी ऐसा 4-5 बार करो, वो आपको हेल्प करेगी। क्योंकि सारा गेम ब्लड सर्कुलेशन का है, नर्वस सिस्टम है, जितना ब्लड अच्छे तरीके से जाएगा उतना बढ़िया है। चलो योगा करना पसंद नहीं है, जिम चले जाओ, जिम पसंद नहीं है पार्क में टहल लो, पार्क पसंद नहीं है साइकिल चला लो, साइकिल पसंद नहीं है बैडमिंटन खेल लो, बैडमिंटन पसंद नहीं है क्रिकेट खेल लो, शरीर को चला लो, अब देखो हो जाएगा छू मंतर। तो आप ऐसे ऐसे काम करो और खुश हो जाओ दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको मुस्कुराते हुए देखना। बस हैव ए गुड डे, लवली डे, प्रणाम।